हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीष टंडन व्लॉग्स। तो मैं आ गई हूँ सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर वाली। रात को हम 11 आई थिंक 11 या 11:30 बज गए थे हमारे को आते हुए। तो मैं आई हूँ अपनी कजन सिस्टर के साथ और हम दोनों साथ में मेहंदी लगवा रहे हैं। सेंट्रल मार्केट में लाजपत नगर की स्पेशलिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली मेहंदी लगाने में, और मैं हमेशा यहीं पर मेहंदी लगवाने आती हूँ। घर के पास में भी है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ के डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जिसने लाजपत नगर एरिया में न्यू दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में मेहंदी लगवाई है ना, तो एक बार कमेंट जरूर करना। मेहंदी लगवा के मैं घर पहुंच गई थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद बस मैं लेटी और फिर मैं उठी गई थी क्योंकि मुझे माता रानी की जोत जगानी थी, उनके लिए प्रसाद भी बनाना था। सर्दियों की हम सर्दी में भी खाते हैं, सुबह सुबह का टाइम पे कुछ खाने का मन नहीं करता, बट फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत चखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मैंने जो है मीठी सेवियाँ बनाई, चाय बनाई, रात की लेफ्ट ओवर सब्जी रखी थी पनीर की वो थी, और मैंने ना आटा बेल के ना उसको बेल के रख दिया था और हस्बैंड को बोला था इसको बस सेक देना, साथ में कुछ बादाम भी रखे थे। तो हस्बैंड को मैंने ये बोला था कि सेवियाँ बनाई है, चलो आप बैठ के सेवियाँ खाते हैं। उन्होंने भी सेवियाँ खाई, उन्हें अच्छी लगी। और लेकिन मुझे सबसे अच्छा मज़ा तब आया जब मैंने अपने पति के हाथ की परौंठी खाई, बेल के रख दी थी लेकिन, तो क्या हो गया, उन्होंने मुझे बना के दिया सुबह सुबह। वही मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे मेरे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। कहते हैं ना, आपका पति एक तरफ और पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही है, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ये सोची थी कि सर्गी फटाफट से खा लूँ, फिर मैं थोड़ा तैयार भी हो जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी भी कि मैंने सर्गी के टाइम पे क्या पहना है। मैंने एक कुर्ती नॉर्मल ली थी जिसके साथ नॉर्मल जो सेट में आती है, तो बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ। डार्क पर्पल कलर का मैंने कुछ ये पहना हुआ है और सर्गी के टाइम पर मैंने स्पेशली वाली कुर्ती ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, फेवरेट कलर है ये वाला, मैं पहनूंगी। और यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम एक काम करो, पहले मुझे सिंदूर तुम ही लगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है श्रृंगार की वो तुम स्टार्ट करो। और यहाँ पे देखो मैंने सिंदूर लगाया है। सिंदूर लगाने के बाद ना एक जो चेहरे पे जो निखार आता है, जो नूर आता है ना, वो कोई औरत से नहीं छीन सकता। सो हे गाइस, जब सुबह मैंने ये सर्गी खाई थी ना, तो तब से लेकर आपको पता है कि मेरा कल से ही मेरा गले में दर्द है और पता नहीं क्या हो गया, मुझे फीवर चढ़ गया और फिर मैं सो गई, क्योंकि दवाई तो हम खा नहीं सकते और दवाई तो पानी के साथ ही पीना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा सोई हूँ मैं। वैसे कहा जाता है कि इस त्यौहार में सोया नहीं जाता, वैसे ही कहा जाता है कि हमारे को सोना नहीं चाहिए। हम जब थाली मंचते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि सुत्या जगाए ना, रुठिया मनाए ना, और हमें सोना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है कि तबीयत ठीक नहीं थी, बट सोने के बाद एटलीस्ट ये तो हो रहा है कि मुझे उठने के बाद रिफ़्रेश सा महसूस हो रहा है और मैं आराम से पूजा कर पाऊँगी। मैंने अभी नेल पॉलिश भी नहीं लगाई और मेकअप वगैरह सब करना है। आपको मेरे को ये दिखाना था कि मैंने आफ्टर मैरिज आई थिंक सेकेंड टाइम ही गोल्ड पहना है। मैं गोल्ड बहुत कम पहनती हूँ, तो मेरे को आपको ये दिखाना था कि ये देखो, जैसे कि ये छोटा सा जो सेट है ये मुझे चढ़ाया था मेरे सगाई के टाइम पे, इसका मैंने नेकलेस नहीं पहना, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा है। दिस इज़ द लॉकेट एंड इसको मैंने इसके साथ वेयर किया है। और अब देखो मेरे को उन्होंने सिंदूर भी लगाया, हालांकि इनको सिंदूर लगाना नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप कैसे लगा रहे हो सिंदूर, कह रहे हैं मेरे को तो सिक्के से लगा देता। मैंने कहा वो तो शादी वाले टाइम पे लगाया था, चलो कोई नहीं जैसा लगाओ। और ये जो कड़े हैं, जब खाटू श्याम जी गई थी तो मैं दो कड़े लेकर आई थी ना, एक तो ये कड़े हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। सबसे छोटा साइज़ यही है और मेरा जो हाथ का साइज़ है वो 2x2 है और ये जो है आई थिंक मेरे तो लग रहा है शायद 2x4 है या 2.5 है, पता नहीं। और मैंने रिंग्स पहनी, myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't. गाइज, मेरे को ना रात से साईशा बोल रही है कि आप जब मेहंदी लगवाने जाओगे ना तो मुझे लेके जाना। तो मैंने क्या किया था, मैं कीप लेकर आ गई थी वापसी में, मेहंदी वाले भैया के पास गई थी तो उनके पास मेहंदी तो बहुत सारी होती है, तो मैंने उनको कहा था कि मुझे मेहंदी दे देना। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पति देव लगा रहे हैं बेटी को मेहंदी मुझे ये नहीं पता डिज़ाइन कैसा बना है, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है, तो पहले एक बार चलो डिज़ाइन देखते हैं इनका। ये बैक कैमरे में पता नहीं क्या हो रहा है, साईशा डिज़ाइन दिखा, ये तितलियाँ फूल, ये क्या बना है, ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये एस,
एस 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 फॉर साइशा। ये क्या बना साइशा, ये क्या बना दिया तुमने? पता नहीं क्या बनाया। बट जो भी है साइशा, फर्स्ट टाइम मेहंदी लगाई ना पापा ने, अच्छी तो लग रही है। थोड़ा वो कड़ा स्टाइल होना दिया। ये तेरा वो बन गया है कड़ा थोड़ा। यहाँ पे ये है कि अब घड़ी जब तू अपनी वॉच पहनेगी ना यहाँ पे, तो तेरा ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा, कलर चढ़ जाएगा ना इसमें। पीछे लगाई है साइशा? साइशा पीछे मत लगा, स्कूल में भी मना करते हैं, रहने दे। हाँ। चलो तेरे को पसंद आई साइशा? आज मैंने लगा पा, आज मैंने बोला साइशा, आज मैंने, वैसे इसको हमेशा लगाती हूँ, आज ना मैंने लगा नहीं पाई इसको। मैंने आज बोला था कि साइशा मैं मेहंदी लगाने का मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, और ना आज प्यास भी बहुत लग रही है। और तो मैंने इसको यही बोला कि कीप तो रखी हुई है, मैं एक्चुअली लाई थी अपने पैरों के लिए, मैंने पैरों में मेहंदी नहीं लगवाई, तो मैंने सोचा मैं कल ना दिन में लगा लूँगी। अभी मुझे जब से स्कूल से भी आई तब से मुझे परेशान कर रही कि मुझे लगाओ, तो इन्होंने लगा दी है। और ये देखो ये जो कड़े हैं इसमें देखो राधा कृष्ण जी बने हैं, तो ये मेरा मन है। ये जब मैं खाटू श्याम जी गई थी मैंने, तब भी जैसे मैंने इन कड़ों को देखा ना, तो बस मैंने सोचा कि इनको मैं करवा चौथ में ही डालूंगी, करवा चौथ के लिए मैंने रखे हुए हैं। साथ में ना मैं आपको मैंने दिखाया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं मेहरून कलर की अपनी वो लेकर आई थी बैंगल्स मेटल की, तो वो डालूंगी साथ में, कंट्रास्ट बनाऊंगी, तो ये अच्छे लगेंगे ना। आप कमेंट करना कि आपको मेरे कड़े कैसे लगे, लेकिन जब मैं पहन के आपको पूरा रिवील करूंगी ना अपना लुक, तब तो और भी मज़ा आने वाला है ना, तो आप मुझे बताना कि उसमें कैसे लगूंगी। तैयार होके हम पूजा करने आ गए थे, मेरी सिस्टर भी आ गई थी, मैं भी आ गई थी, पंडित जी भी बैठे थे और दो एक दो लेडीज और भी बैठी थी, तो हम यहाँ पे अपना पूजा करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। चांद की वेट हो रही है और मैंने कुछ तब तक अपनी रील्स भी बनाई है, और आप ज़रूर देखना इंस्टाग्राम में जाके, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में भी फॉलो ना किया हो, डू फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको खाटू श्याम जैसे जो मैं कड़े लेकर आई हूँ पहनूंगी, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। पूरा जो मेरा अटायर का लुक है वो इन्होंने खींचा है, वो इनके तरफ से अट्रैक्ट हुआ है, तो आप भी बताना कि कैसे लगे मेरे कृष्ण जी। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back. और आपको मैं पूरा भी अटायर दिखा देती हूँ कि मेरा किस टाइप का है। तो आप भी बताना कि आपको ये कैसा लगा मेरा अटायर। गाइस चांद को अर्घ भी दे दिया और मेरे पतिदेव को देखो रास्ते में चॉकलेट खिला रहे हैं।
ये नहीं कि मैंने कहा वहाँ पे जब पानी पिला था तभी पानी तभी खिला देते। खा लो, कितने शरीफ बन रहे हैं अब। तुम्हें खाएगा? हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। सेम टू यू? हाँ सेम टू यू। तो बोलूँगा बर्थडे तो ना। अरे मेरा दिमाग खराब हुआ है बड़ा, इतना प्यास लग रहा है। वहाँ तो पानी पिया है मैंने, लेकिन साइशा को बोला साइशा एक गिलास पानी पूरा लेकर आज, बहुत प्यास लग रही है। चॉकलेट खा ली? मेरी फेवरेट चॉकलेट है गाइस डेरी मिल्क वाली, क्रैकल वाली, बहुत अमेजिंग लगती है। है ना कबीर, कबीर को पसंद है? बच्चे भी आज थोड़ा लेट आए हैं ट्यूशन पढ़ के। पानी पीना? चल मैं करूँ। दोबारा बोलना क्या? दोबारा एक बार दोबारा बोलना। सुबह से भी मैंने एक घुट पानी नहीं पिया, सिर्फ खाना खाया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मेरे सामने तुम खाना खा रहे तो पानी नहीं पिया ना, तो व्रत तो रखा है। मस्त प्लान है। लोग चाय पी लेते कहते हैं पानी नहीं पीते, चाय पी लेते हैं। खाना खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अच्छा, मतलब हमारे में एक्चुअली क्या है कि बड़ों ने ना छूट दे रखी है कि आप जब पूजा करके आते हो ना घर में, मंच के आते हो थाली, तो उसके बाद आप चाय या कुछ भी आप पीना चाहो तो पी सकते हो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि करवा चौथ है तो निर्जला व्रत रखना बनता ही बनता है, और हर बंदा रखता है, और माता रानी अपने आप शक्ति देती है, तो जय माता दी। ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो ना तो डू लाइक माई वीडियो, और जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, जय करवा माता।